हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक एनी थिंग पर। आज हम पानी से पकोड़े बना के तैयार करेंगे, पानी के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी इमली ले ली है, इसको हम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेंगे। इमली को भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हम एक कटोरी बेसन लेंगे, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया, और आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, पूरे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका लम्स फ्री बैटर बना के तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालिए, अदरवाइज लम्स हो जाएंगे। और बिल्कुल फाइन बैटर बना के तैयार करना है हमें। बैटर को एक चम्मच दही डाल के फेंटना बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट ज़रूर फेंटिए ताकि बेसन हल्का हो जाए और पकौड़े की शेप भी अच्छी आए और हल्के हो जाएगा बेसन। अब हम इसमें अपनी कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज डाला है मैंने, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है। आप जो भी पसंद हो वो सब्जी ऐड कर लीजिए इसमें और इसको अच्छे से मिला लीजिए। सब्जी ऐड करने के बाद अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तेज़ गर्म हो गया है मेरा ऑयल। अब साथ में हम इसको एक बाउल में पानी डाल के रख देंगे ताकि हमें बाउल में फिर पकने के बाद पकोड़े डालने हैं। और लो फ्लेम करके हम अपने पूरे पकोड़े ऑयल में डाल देंगे। आप स्पून से भी डाल सकते हैं, अगर आपको हाथ से नहीं डाल पा रहे हो तो आप स्पून का यूज़ कर लीजिए। और धीरे धीरे पूरे पकौड़े डाल देंगे और इनको 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, फिर इनको पलट के दूसरी साइड से भी पका के और बाहर निकाल लेंगे हम। धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि बहुत गर्म होता है ऑयल, और इसको अच्छे से पका के बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम डार्क कलर का करके बाहर निकालेंगे क्योंकि पानी में जाने के बाद इनका कलर लाइट हो जाता है, तो हल्का सा डार्क कलर। और जैसे ही हम ऑयल से निकालेंगे हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से ये पानी ये पी के नीचे बैठ जाएंगे और पूरा ऑयल छोड़ देंगे। ये देखिए पूरा ऑयल पानी में आ जाएगा। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो इमली भिगो के रखी थी उसको ले लिया है, थोड़ा सा डाल दिया है पुदीना, थोड़ा सा डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्ची, और इसके साथ ही और कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं आप। एक चम्मच चीनी ज़रूर डालिए क्योंकि इमली हमने डाली है तो इमली का कसीलापन आएगा, तो एक चम्मच चीनी ज़रूर डालिए आप। चीनी बहुत ज़रूरी है डालना, सिर्फ एक चम्मच। और अब हम पूरे पकोड़े का पानी निकाल के और उनको अलग कर लेंगे पानी से, और हम जो हमने पानी बनाया था उसको छान लेंगे हम छलनी से, और इसका पानी पानी ऐड करेंगे हम। अगर आपके पास अमरूद हो तो ज़रूर ऐड कीजिए, अमरूद का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर अमरूद आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अमरूद से, मेरे पास था नहीं। और अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। ये पकोड़े फिर से पानी पी के फिर से वैसे ही फूल जाएंगे जैसे पहले थे, और इनको डाल के 1-2 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए फिर से मोटे हो गए हैं पानी फूल पी के, तो आप भी ऐसे ही बनाइए। ये देखिए सर्व कर लेंगे हम, खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, बने रहिए और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।